हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज मिस पोल? मिस पोल इज अ वाइल्ड लाइफ रिसर्चर. मिस पोल कौन है? वो एक वाइल्ड लाइफ रिसर्चर है. वेयर डज द जीआईबी लिव्स? जीआईबी कहाँ पे रहता है? जीआईबी लिव्स इन वाइड ओपन लैंडस्केप, खुले एरिया में रहता है जहां पर कम घास हो और शब्स भी कम हो. हाउ कैन वी से दैट द जी आई बी इज नॉट हैवी? हम कैसे कह सकते हैं कि जी आई बी जो हैवीएस्ट बर्ड नहीं है? बिकॉज ये जो इसका वेट है वो है 15 kg एंड जो कोरी बर्स्टर्ड है उसका वेट है 18 kg. जो जी आई बी है दैट इज द हैवीएस्ट बर्ड, हैवीएस्ट फ्लायर बर्ड इन इंडिया बट नॉट इन वर्ल्ड. हाउ डू हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर्स अफेक्ट द जी आई बी? जी आई बी को कैसे, कहीं पर क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रिक वायर्स का इफेक्ट होता है जी आई बी पे? वेन जी आई बी डैश इज अगेंस्ट हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर लोकेटेड इन इट्स हैबिटेट इट्स गेट्स इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोक्यूटेड. कई बार ये फंस जाती है हाई पावर की तारों में और करंट के झटके से मर जाती है. एक्सप्लेन द फूड हैबिट्स ऑफ जी आई बी. जी आई बी क्या क्या खाता है? जो इसकी जी आई बी जो है, इसकी फूड हैबिट्स जो है अकॉर्डिंग टू सीजन होती है, जैसे ग्रास सीड्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ग्राउंड नट्स एंड मिलर्स. और ये तो सीजन के अकॉर्डिंग खाता ही है, और ये ओमनीवोर है क्योंकि ग्रास होपर्स, बीटल्स एक्सेट्रा, इन चीज़ों को भी, लिजार्ड्स, रोडेंट्स, इन चीज़ों को भी खाता है, इसलिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है. Why should the mother GIB be careful? Mother GIB की mother को क्यों careful, क्यों रहना पड़ता है? Because she has, क्योंकि जो इसके जो egg होता है उसको बाहरी predators, मतलब कि बाहरी शिकारियों से इसको खतरा होता है. Dogs इसके egg को अधिकतर खा जाते हैं, और इसको जो egg होता है उसको 25 days के लिए सही temperature पे रखना पड़ता है, और ये सब काम जो है ये अकेले करती है. इसको male bird की कोई भी इसमें help नहीं मिलती. हाउ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स आर स्टिल लेफ्ट? वेयर कैन दे बी फाउंड? कितने इसके बर्ड्स जो हैं अब रह गए और कहाँ मिलते हैं? ओनली देर आर 150 ऑफ दीज बर्ड्स. 150 बर्ड्स हैं सिर्फ जो रह गए हैं, और कहाँ पे देखे जा सकते हैं? राजस्थान में, गुजरात में, और कुछ बर्ड्स जो हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में मिलते हैं. नेक्स्ट, Why does Miss Paul fear that GIB may meet the same fate as Dodo? भी डोडो की तरह ये भी इसको सेम वही ऐसा हो सकता है जैसे डोडो के साथ हो. क्यों? जैसे डोडो गायब हो गया, भी इसकी जो जाति है वो भी विलुप्त हो जाने हो सकती है. ऐसा क्यों सोचती हैं? क्योंकि एक तो एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स की वजह से, मैकेनाइज्ड फार्मिंग की वजह से, और जो इसके एग्स हैं अधिकतर डॉग्स खा जाते हैं. इसको प्रीडेटर्स से भी मतलब खतरा रहता है, और ये फास्ट मूविंग व्हीकल से भी कई बार हिट हो जाती हैं, और हंटिंग एंड पोचिंग जो है इंडिया में चल रहा है, अभी भी चल रहा है. इस वजह से जो ये जाति है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आ रही है, मतलब कि रिस्क जोन की कैटेगरी में आ रही है. नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग एनी स्पीसीज रिक्वायर्स जॉइंट एफर्ट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट, साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एनजीओ. मतलब कि जो अगर बर्ड्स को या किसी भी जाति को अगर प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए हमें मिले जुले एफर्ट्स चाहिए. ऐसे कैसे, मतलब वही बताया है, जैसे रिसर्च है, इंस्टीट्यूट है, वो किस चीज़ में हेल्प करता है? रीज़न भी, क्या रीज़न है क्यों ये जाति विलुप्त हो रही है, इसमें हेल्प करता है. मतलब कहने का मतलब ये एक टीम वर्क है, एक अकेले जने से नहीं है हम सोच सकते भी हम ऐसे बचा सकते हैं. ये एक टीम वर्क है जिसमें साइंटिस्ट की भी हेल्प चाहिए और गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए. वो फंड्स प्रोवाइड करती है, एनजीओज जो है वो अवेयरनेस फैलाते हैं, इसलिए ये एक टीम वर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिस पॉल टेलर्स अनुप, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया या आप पूरी लाइन लिख लेना. इसमें ये है कि मिस पॉल अनुप को ऐसे क्यों कह रही है कि ये जो फ्यूचर है इन स्पीसीज का वो सब आप जैसे बढ़ते हुए बच्चों के हाथ में है, ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि वो इसलिए कह रही है क्योंकि यंग पीपल आर ग्लोबली कनेक्टेड थ्रू द टेक्नोलॉजी एंड अवेयर ऑफ द इंसिडेंट्स हैप्पीनेस. जो यंग पीपल है मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उन्हें सब पता है कि हमारे आसपास क्या हो रहे हैं, और वो मिड पॉइंट हैं इन्वायरमेंट को, मतलब कि वो देख रहे हैं क्या क्या, किस किस प्रॉब्लम से जो है हमारा इन्वायरमेंट फेस कर रहे हैं, और सीरियस थ्रेट्स ड्यू टू पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, एंडेंजरिंग एंड एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज. ये सब जो है, ये भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कितनी जो जातियां हैं वो खतरे की रिस्क जोन में आ रही हैं, ये सब न्यू जनरेशन को ये सब इस चीज़ से वो अवेयर हैं, और वे
न्यू जनरेशन ही इस मैसेज को फैला सकती है, स्प्रेड अवेयरनेस एंड आल्सो टेक स्टेप्स, वो ही आगे लोगों को अवेयर कर सकती है और इसके लिए अलग अलग से स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे कि हम इस कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल क्वेश्चन आंसर्स एंड नाउ यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपरली। ओके, थैंक यू।